वायुसेना के चॉपर ने बचाई बाढ़ में 15 घंटे से फंसे 3 लोगों की जान। अधिकारियों के दल ने किया मानक स्तर का 21 स्टैक चावल रिजेक्ट। और कोरोना वायरस के नाम पर स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे जबरदस्ती मरीजों को भर्ती। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में भारी बारिश से नदी उफान पर है। बैनगंगा और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ की वजह से कई ग्रामों में बाढ़ आ गई है। शनिवार को दोपहर में खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम कुमली में मेवाड़ नाले में बाढ़ आ जाने से नाले के पास बने ढाबे की छत और झोपड़ी में फंसे 3 ग्रामीण फंस गए थे। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज रेस्क्यू नहीं कर पाए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शासन के संपर्क साध कर वायुसेना की मदद ली और 15 घंटे बाद वायुसेना के चॉपर ने आज सुबह 6 बजे रेस्क्यू किया और बालाघाट स्थित जिला अस्पताल में जांच के लिए भर्ती किया गया। झिल्ली फाड़ के निकला सर आज मैं। झिल्ली फाड़ के? हाँ, ये हवाई जहाज मतलब वहाँ डेली रहना होता है मेरा। 4 साल हो गए वहीं रह रहा हूँ, वहीं खाना पीना वहीं रहने का, खेती है तो आ जाएगी। तो वहाँ से बाढ़ से यहाँ बालाघाट कैसे पहुँचे आप? अच्छा, ये हवाई जहाज वाले ने लाए जी मेरे को। दो तीन चक्कर लगाए तो मैं निकलने की कोशिश करो और उनका पंखा चले तो फट जाएंगे करके मैं आवाज दूँ उनको, और वो और तो फिर दो चक्कर मारने के बाद में फिर इनको उठाएंगे, फिर और आए मेरे तरफ तो मतलब झिल्ली फट जाएंगी, खोपड़ा बह जाएगा, फिर झिल्ली तीनों फाड़ के मैं निकला, मतलब मैं हूँ सर करके। ये कल शाम को हमारे पास डायल 100 में इवेंट आया था, तो उसमें जब ये इनसे बात की तो पता चला कि ये लोग कल सुबह से फंसे हुए थे, और इसके लिए हमने शाम को फिर जो NDRF की टीम होती है उसके माध्यम से बोट के माध्यम से प्रयास किया, किंतु बहाव ज़्यादा होने की वजह से बोट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो फिर SP सर कलेक्टर साहब मौके पर थे, उन्होंने फिर छिंदवाड़ा में संपर्क किया और चॉपर की व्यवस्था की। तो चूँकि रात हो गई थी तो चॉपर सुबह सुबह फिर चॉपर आया और इन तीनों को रेस्क्यू किया, और फिर यहाँ पुलिस लाइन पर इनको सकुशल उतारा और यहाँ इनको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जा रहा है। जिले के विभिन्न राइस मिलर्स के द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए उच्च क्वालिटी की धान को अच्छी दरों पर गोंदिया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य जगह पर बिक्री कर दिया गया है, और उसकी जगह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से अमानक स्तर का चावल क्रय कर आपूर्ति निगम की मिलीभगत से विभिन्न गोदामों में भंडारित किया गया है, जिसमें अभी हाल ही में भारत सरकार के खाद्यान्न मंत्रालय में एक कमीशन स्तर के अधिकारियों के दल द्वारा बैहर, वारासिउनी, बालाघाट के विभिन्न CWC के गोदामों का निरीक्षण किया गया, तो उसमें लगभग 21 स्टेक का चावल जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आकी गई उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बालाघाट जिले में COVID-19 के नाम से मजदूरों और कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। परेशान सोशल मीडिया के माध्यम से जारी इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें बालाघाट जिले के महिला कर्मचारियों ने, जिनकी ना COVID-19 की जांच हुई ना सैंपल भेजा गया, बगैर जांच रिपोर्ट के कैसे पॉजिटिव आई, ये सोचने का गंभीर विषय है। ना ही इसमें सैंपल भेजे गए ना ही लिए गए, उसके बाद भी जबरदस्ती ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वारासिउनी रविन्द्र ताथोड़ द्वारा उन्हें जबरदस्ती भर्ती करा दिया गया है। बिना सर्दी खांसी के यहाँ सबको कोरोना पॉजिटिव निकाल रहे हैं, किसी को सर्दी खांसी कुछ हाँ और वो रिपोर्ट भी नहीं दिखा रहे, रिपोर्ट दिखाना चाहिए ना हम लोगों की। दिखाए ताकि
जब कोरोना पॉजिटिव है तो रिपोर्ट दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, और रिपोर्ट रिपोर्ट मांगने से इन लोग बोलते हैं माइनर है। अरे माइनर है तो हमको दिखाइए ना कि हाँ हाँ तुम्हारी, हम रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद हम बोलेंगे हाँ ठीक है। उसमें बिना रिपोर्ट निकाल तुम अपनी मर्जी से बोल रहे हो माइनर, ये कहाँ का वो है। बैनगंगा नदी में आई बाढ़ से गोंगले स्थित मध्य प्रदेश राज्य वेयर हाउस कॉरपोरेशन की गोदाम में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से भंडारित किए गए लगभग 2000 टन गेहूं और चना की नुकसानी की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी के पास स्थित दूसरे गोदाम में चावल भरा हुआ है। यदि इसी तरह जलस्तर स्थिर रहा तो पूरी तरह अनाज खराब हो सकता है। इसी प्रकार गर्रा के पास जागपुर घाट पर स्थित एक राइस मिल में बाढ़ का पानी भर गया, जिसमें मिलिंग करने के लिए एकत्रित किए गए लगभग 10 लाख मूल्य का धान खराब होने की जानकारी मिली है। तिरोड़ी मुख्यालय में वन विभाग रेस्ट हाउस के पास आरटीओ परिवहन विभाग द्वारा अस्थायी परिवहन जांच चौकी 25 जून से शुरू की गई है। यहां के किराए पर रखे कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। परिवहन विभाग के कर्मचारी द्वारा जांच के नाम पर कागजात मांगे जाते हैं और जिस खिड़की से कागजात लिए जाते हैं वो पूरी तरह गड्ढों से ढकी रहती है और अंदर जो आदमी रहता है वो भी दिखाई नहीं देता। वाहन चालकों से 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक वसूले जाते हैं और रसीद कम की दी जाती है और वो भी दूसरे कर्मचारी द्वारा ट्रक रवाना होने के पहले वापस ले ली जाती है। और यदि किसी वाहन चालक के पास पैसों की कमी रहती है तो उसे पैसों के अभाव में जब तक वो पैसा नहीं देता तब तक उसके कागजात लौटाए नहीं जाते और मजबूरी से उसे वाहन खड़ा करना पड़ता है। कहाँ से आ रहे हो? तो अंदर आते हैं। कहाँ जा रहे हो? जबलपुर। कितने रुपए दिया? 600। ओके आपके कागजात के लिए? ओके आपके फाइल दिखाए? नहीं नहीं मैंने तो चिट्ठी वगैरह कुछ दिए? हाँ एक चिट्ठी दिए थे, वो अंदर काट के उसको गेट पे ले लिए। वही वही लोग। ठीक है। अफजर अली कहाँ से आ रहे हो? हम मंदराज। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। कितने रुपए लिया? 400। कोई दिया चिट्ठी वगैरह? ये गेट पास दिया उसने, ले लिया वापस, ले लिया वापस ले लिया। ये गलत है ना? हाँ जी गलत है जी। हम मजबूरी भंडारे से वापस इधर घूम जा रही है गाड़ी। ठीक है थोड़ी देर है। ड्राइवर कहाँ जा रहे हो? चेन्नई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कितने रुपये लिया बैरियर में? 700 रुपये। तिरोड़ी बैरियर है ना? 700 ना। पिछले 2 दिनों से जिले में हो रही तूफानी बारिश के कारण संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस संकट में भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया पानी ने बैनगंगा नदी के आसपास के ग्रामों में ध्वस्त करके रख दिया है। इसी तारतम्य में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम चिचगांव, जो कि परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहां मुख्य मार्ग से दूर खेत में बने एक मकान में शिव भगत और उनके परिवार के 9 सदस्य बुरी तरह फंस गए हैं, जिन्हें दिन में वहां से हटाने के लिए कई बार पुलिस प्रशासन ने आग्रह किया, जिसके चलते पूर्व विधायक मधु भगत के द्वारा रात के अंधेरे में पहुंचकर सभी की जान बचाई गई। एक मधुबिया का फोन आया कि आप हमारे जंगल के बीच में एक शिवलाल भगत जी है, उनकी हमारे को सेफ्टी करना है, उनका जान बचाना है, उनको लाना है और आसपास पानी फैल चुका था, इसलिए मधुबिया ने फोन किया। हमारे प्रशासन TI साहब के भी माने 8-6 लोगों ने आए और उनकी उनकी बचाव और वो किए और उनको साथ में हम लेके गाँव की ओर जा रहे हैं। मैं दिन भर से नजर बनाए हुए रखा था पूरे क्षेत्र पे, लेकिन जब रात में 10 बजे इनके बच्चों की रोने की आवाज और जिस प्रकार से इन्होंने आह्वान किया कि हमारी जान खतरे में है, हमारा क्या होगा, तत्पश्चात मैंने तत्काल इसको सूचना दी थाने में और थाना प्रभारी को संपर्क करने मैंने कहा और हम स्वयं गांव वालों के साथ मौके पर पहुंचे और यहां मौके पर पहुंचने के बाद जिस कठिन परिस्थितियों में ये रह रहे थे, चूंकि भीमगढ़ से जो पानी छोड़ा गया है निरंतर उसकी ऊँचाई बढ़ते जा रही है और इनके घर के आसपास पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ये पगडंडी का रास्ता है और रात के 12 बजे पानी का लगातार बढ़ाव चालू है, तो दबाव दिया गया है इनको। फिर मैंने समझाया कि जान है तो जान है, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, जानवर भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे लेकिन जान नहीं मिलेगी। शाम को थाना प्रभारी ने भी बहुत कोशिश की थी पर उनके ऊपर भी इनका भारी दबाव था कि हम नहीं जाएंगे और वृक्ष के ऊपर बैठ करके अपनी जान सुरक्षा ले लेंगे, ये बेकार की बातें इन्होंने करके प्रशासन को वापस किया। लेकिन गांव वालों के साथ मैंने रात को 12 बजे यहां पहुंच करके, चूंकि मुझे चिंता थी जान माल की, तो मैंने इनको अपने साथ और उनको लेने के लिए आह्वान किया और आज मुझे बेहद खुशी है कि पूरा गाँव आज इस परिवार की सुरक्षा में सब साथ खड़े हैं और जिस प्रकार की आप मेरे स्वयं मेरे साथ चलते हुए 1 किलोमीटर पगडंडी के रास्ते से आए, तो ये एक बहुत ही आज का जो दिन है, आज की जो रात है, ये बहुत ही एक डरावनी और खौफ वाली है। बच्चों की जो रोने की आवाज़ है, रात को 11 बजे जब पहुंचे तो बहुत डर लगता है, हमें भी लगता है कि हम कैसी सुरक्षा दें, तो स्वयं हमने कदम उठाया और ग्रामीण जनों के साथ इनको लेकर के मैं अपने साथ अभी एक सुरक्षित व्यवस्थित जगह ग्राम पंचायत जहाँ भी व्यवस्था बनाएगी उनको यहाँ रखूँगा। ईश्वर ना करे पानी ऊपर चढ़े, अगर पानी चढ़ जाए जान माल को हानि हो जाए
तो जवाबदार प्रशासन, जनप्रतिनिधि और गांव की ग्राम पंचायत होती है, तो सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम इन सबको अपने साथ लेकर के ग्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम खपरड़िया में रविवार सुबह 5 बजे बैजलाल रहंगडाले के यहाँ अजगर सांप द्वारा एक बकरी और उसके बच्चे को मार देने की सूचना मिलने पर वन चौकी खपरड़िया की रेस्क्यू टीम द्वारा तुरंत मौके स्थल पर पहुंच गई और अजगर द्वारा खाने के उद्देश्य से बकरी और उसके बच्चे को मार दिया था। घर वालों के द्वारा शोर मचाने पर अजगर दीवार के कोने में छुपकर बैठा था। रेस्क्यू टीम द्वारा अजगर को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़कर शासकीय जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। मुंह के पास ऊपर वही वही चढ़ गया ऊपर। नहीं खींचो 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 बाहर, वो बाहर में ना भाग जाएगा, बच्चे में बंदी में चला जाएगा। अब पकड़ लो, अब पकड़ लो सर, खींच लो खींच लो खींच लो सर, सामने जा, बंदी में भाग जाएगा वो, पकड़ो सर, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, खींचे सर, पकड़ने से जाएगा कुछ नहीं कर सकते, जाओ जाओ उधर जाओ। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में रविवार को पर्यावरण संरक्षण महिला समिति अध्यक्ष रंजना वैद के नेतृत्व में ग्राम हट्टा के सेनानी चौक तालाब के किनारे औषधि पौधे लगाए गए। इस दौरान पौधे लगाकर सभी को संदेश भी दिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाना है और उनकी देखरेख करनी चाहिए। कितने हो गए? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा दूसरे दिन 30 अगस्त को राहत और बचाव कर्मियों के साथ खैरलांजी तहसील के ग्राम पंचायत खैरी और सावरी का दौरा किया गया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे कि शीघ्र ही सभी को सुरक्षित किया जा सके। शायद पिछले 25-30 वर्षों में पहली बार इतना पानी आया है, इसके कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी है, लेकिन कल से मैं घोटी आरम्भा फिर से शिवनगाट कटारा लावनी सभी तरह से घूमते आया। मैं खैरी भी गया था, हम लोग कुटिया भी जा रहे हैं और उसके जो टोले खासकर डीमर टोले वगैरह सब जगह की बहुत बुरी स्थिति में, इसके बावजूद प्रशासन ने हर तरह से हेलीकॉप्टर भी सवेरे आया था, 3 व्यक्तियों को उनको बचाया गया और इसके साथ ही सभी जगह नाव को भी लगाया गया, तो सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जनहानि नहीं हुई, ये बहुत संतोषजनक बात है। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत जो खाने की है, तो अभी तो सभी सरपंच सचिव को कहा गया और सभी जगह व्यवस्था हुई है, हम लोगों ने भी कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था सभी जगह करवाए और सरपंच सचिव के माध्यम से हर पंचायत में या स्कूल में जहाँ भी लोग शरण में लेके बैठे हैं उस सबको खाने पीने की व्यवस्था के लिए कहा गया। आज SDM ने भी कह दिया है और CO को उसमें लगा दिया गया, सरपंच सचिव को बोल दिया गया है और जैसे ही कल से पानी उतरने के बाद जहाँ भी जैसे मकान गिरने की समस्या है कि लोग मकान गिर रहे हैं उनको भी हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको राहत राशि मकान की मिल जाए। और उसके बावजूद जहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था के बारे में कहीं कमी आती है तो हमने कल से वाराणसी से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हम पूरी सब्जी के पैकेट बना के जहाँ भी डिमांड आएगी हम उसको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।